नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो मौजूद हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश से भयंकर तबाही देखने को मिली है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में बड़ा तगड़ा अलर्ट भी जारी हुआ है। क्या खबर रहने वाली है आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मानसून की पहली ही बारिश से तबाही, भूस्खलन मलबे से 8 गाड़ियों को नुकसान। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रवेश करते ही तबाही मचाई है। इस बार पिछले साल के मुकाबले देरी से पहुंचे मानसून की पहली ही बारिश से शिमला में जगह जगह भूस्खलन मलबा आने से व्यापक नुकसान हुआ है। करीब 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शिमला शहर के मलियाना, चमियाना, भट्टा कुफर, मिनी कुफ्टाधार सहित अन्य स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। चमियाना में सड़क किनारे पार्क 3 गाड़ियां मलबे में दब गईं। वहीं मलियाना में पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टाने सड़क किनारे पार्क 4 गाड़ियों पर गिर गईं, इससे 2 गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। बता दें कि भट्टा कुफर में भूस्खलन से सड़क किनारे पार्क 1 कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मिनी कुफ्ताधार का रास्ता मलबा आने से नाले में तब्दील हो गया। शहर की ईदगाह कॉलोनी में भी नुकसान हुआ है। डंगा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। पगोग सड़क पर आए पत्थर और मलबा आने से आवाजाही प्रभावित रही। वहीं जुंगा रोड पर बारिश का पानी घरों में घुस गया। खलीनी में भी भूस्खलन हुआ है। बता दें कुनेहार नारागढ़ मार्ग पिछले कल देर रात हुई भारी बारिश से बंद हो गया है। इसमें एक बार फिर से गंबर पुल के पास काफी मात्रा में मलबा आ गया, वहीं पुल को भी खतरा हो गया है। 3 दिन पहले यहीं पर बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, सड़क को खोलने का काम जारी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कई भागों में आज से लगातार 7 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अंधड़ चलने का अलर्ट है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शेष भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है। तो कुल मिलाकर खबर का आकलन करें तो हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली ही बारिश से जमकर तबाही देखने को मिली है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में आगामी 7 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अभी के लिए ये रही बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।